गुड मॉर्निंग क्लास वन। हिंदी का पीरियड है ये, हिंदी की बुक। पेज ओपन करेंगे 26, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 यानी 2626। यहाँ लिखा है बड़ाऊ, बड़ाऊ की मात्रा, और ये है बड़ेऊ की मात्रा वाले शब्द। यहाँ देखिए, देखो और पढ़ो। अब यहाँ देखिए पिक्चर बनी है कबूतर की, और यहाँ लिखा भी है कबूतर। क प्लस ब बड़ा ऊ की मात्रा प्लस त प्लस र, कबूतर, कबूतर पिक्चर बनी है। यहाँ पिक्चर बनी है और यहाँ देखिए क्या लिखा है, त प्लस र प्लस ब प्लस बड़ा ऊ की मात्रा है प्लस ज। ज में ये बिंदी लग गई है तो ये ज नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ज। तो हो गया तरबूज, तरबूज। ओके, ये पिक्चर बनी हुई है सामने तरबूज की। पढ़ो और समझो। न में आ की मात्रा, ख में ऊ की मात्रा, न नाखून, ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा है, ध्यान दीजिए। ता, ता में बड़े ऊ की मात्रा। फ, फ में आ की मात्रा, यहाँ बिंदी लगी हुई है, यहाँ तूफान हो जाएगा, ठीक है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। झ, झ में बड़े ऊ की मात्रा। ल, ल में आ की मात्रा, झूला। ध, ध में बड़े ऊ की मात्रा। प, धूप। ब, ब में आ की मात्रा। प, प में बड़े ऊ की मात्रा, बापू। च, च में बड़े ऊ की मात्रा। ह, ह में आ की मात्रा, चूहा। ख, ज, ज में बड़े ऊ की मात्रा, र, खजूर। स, स में बड़े ऊ की मात्रा, र, ज, सूरज। ज, ज में बड़े ऊ की मात्रा, त और आ की मात्रा, जूता। अ, म, र, ऊ की मात्रा, द, अमरूद। अमरूद में देखिएगा र पे मात्रा जब लगी तो उसके पीछे ऐसे लगी है, यहाँ नहीं लगी है, नीचे नहीं लगी है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए डिटेल्स में, अभी और कुछ भी चीज़ें, जैसे इसके बारे में आपने सोच रहे होंगे कि यहाँ बिंदी लगी है तो ये मैम ने अलग से आइडेंटिफाई कर दिया, ये ज को ज कह दिया मैम ने, तो इसके बारे में डिटेल हम आपको फिर बताएंगे। आपका चैप्टर है इससे रिलेटेड, हम आपको बताएंगे। पहले आइए हम पढ़ लेते हैं वाक्य। आओ पढ़ो, आओ पढ़ें। राजू सूरज निकल आया। खड़ी पाई, खड़ी पाई हम पहले भी बता चुके हैं, जब खड़ी पाई लगी तो एक वाक्य कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है, या एक वाक्य पूरा होता है तो खड़ी पाई लगती है। राजू सूरज निकल आया। किरण फूटी, किरण फूटी, खड़ी पाई। रोशनी छाई, खड़ी पाई लगी है, देख दीजिएगा। राजू उठ दूध पी, दूध पीकर आजकल पहन। जूता पहन कर बाजार जा, ज है ये, ध्यान दीजिएगा। तरबूज ला। भालू वाला भालू लाया, कड़ी पाई लगी है। झूम झूम कर नाच दिखाया। पूजा झूला झूल, खड़ी पाई। धूल मत उड़ा, खड़ी पाई। राजू अब घर चल, घर चलकर खजूर और अमरूद खा। लालू भगवान पर फूल चढ़ा। ये हो गए वाक्य आपके।
इसको आप फिर से पढ़िएगा, जैसे मैंने पढ़ा आप इसको दोबारा दोहराइएगा। आगे यहाँ पे है अभ्यास, लिखा है मौखिक। पहला नंबर पढ़ो, शहतूत, खुशबू, तराजू, फूलदान, सूरज, रुमाल, कचालू, चबूतरा, सूरदास, आलू। यहाँ है नंबर दो, अब लिखित है, पेंसिल हाथ में ले करके इस काम को करेंगे। और हम पहले भी आपको इसी तरह से बता चुके हैं कई बार कि जब पढ़ते हैं तो हाथ में पेंसिल लें, और जिस तरह से हम पेंसिल रख कर पढ़ते हैं आप भी मेरे साथ साथ हाथ में पेंसिल लेकर उसको पढ़ें, दोहराएं। बड़ा ऊ की मात्रा, ये है मात्रा, लगाकर चित्रों के नाम पूरे करो। ये है भ भम्या की मात्रा। अब हमको यहाँ लिखना है, पिक्चर है भालू की, तो हम यहाँ लिखेंगे ला, और ला में लगाएंगे बड़ा ऊ की मात्रा, भालू। पिक्चर है सूरज की, तो यहाँ चित्र देखा हमने, सूरज लिखेंगे स, स में बड़ा ऊ की मात्रा, र, ज, सूरज। फिर यहाँ चित्र बना हुआ है जूता, हम लिखेंगे ज, ज में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, त और आ लिखा हुआ है, हो जाएगा जूता। ठीक है, त र। अब यहाँ है ब लिखेंगे, ब, अब ब में लगाएंगे बड़ा ऊ की मात्रा, हो जाएगा तरबूज। ये चित्र बना हुआ है किसी बूढ़े व्यक्ति का है, तो हम यहाँ लिखेंगे ब, ब में लगाएंगे बड़ा ऊ की मात्रा, बूढ़ा, बूढ़ा। ठीक है, आ मा, अब यहाँ र ऐसे लिखा, र के नीचे नहीं लगेगी ऊ की मात्रा, र के यहाँ पीछे लगेगी, हो जाएगा अमरूद। यहाँ देखिए नंबर तीन, अक्षरों को मिलाकर लिखो। ये बहुत ही आसान है और ये आप अपने आप करिएगा, एक यहाँ किया हुआ है, हम आपको समझा दे रहे हैं। अक्षरों को मिलाकर लिखो, फ प्लस ऊ की मात्रा प्लस ल, फ के बाद ऊ की मात्रा है तो इसका मतलब ये ऊ की मात्रा फ के नीचे आएगी, ल के नीचे नहीं, मात्रा उसके बाद है तो उसके नीचे आएगी, ल द प्लस आ की मात्रा प्लस न। ये देखिए लिखा है फूलदान, फ, फ में ऊ की मात्रा, ल द, द में आ की मात्रा, न, फूलदान। अब यहाँ इसी तरह से अगला हम पढ़ के बता रहे हैं, अब ये आप अपने आप करिएगा। स प्लस ऊ की मात्रा, ये मात्रा स के नीचे आएगी, हो जाएगा सु, र प्लस द प्लस आ की मात्रा प्लस स, सु र दास, सूरदास यहाँ लिखेंगे आप। अब इसी तरह से ये प्रश्न तीन जो यहाँ पे हैं, अक्षरों को मिलाकर लिखो, ये आप अपनी बुक में कर लीजिएगा। डेट मेंशन करना मत भूलिएगा, जिस डेट में आप ये वर्क करेंगे यहाँ डेट मेंशन कर लीजिएगा। जब हम आपको पढ़ाते हैं तब भी जिस डेट में हमने आपको ये पढ़ाया यहाँ डेट लिखना मत भूलिएगा। काम कर लीजिएगा अपना, कल फिर मिलेंगे, बाय बच्चों।